वजन कम करने के लिए लोग जिम में घंटों पसीना बहाते और डाइट को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने टारगेट को अचीव करने में महीनों लगा देते हैं। लेकिन यदि आप कम समय में मोटापे को छूमंतर करना चाहते हैं तो आप योगा कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से योगासन करते हैं तो आप फटाफट वजन कम कर सकते हैं। इसके अलावा योग पेट पर जमी चर्बी को भी कम करने में मदद करता है। तेजी से पेट की चर्बी कम करने के लिए और वेट लॉस के लिए आप इन तीन बेस्ट योगासन को रोजाना कर सकते हैं। नंबर एक, नौकासन। इस मुद्रा को करते समय आपका शरीर नाव की तरह होना चाहिए। ये आसन काफी आसान है, बस इसे करने के लिए आपको संतुलन की जरूरत होती है। इसे करने के लिए जमीन पर बैठें, अपने पैरों को सीधा करें, अपने पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश करें। इसी के साथ अपने हाथों को फर्श के समानांतर फैलाकर वी शेप बनाएं। इस पोज को 10 से 20 सेकंड तक बनाए रखें। नंबर दो, उत्तान पादासन। सबसे पहले एक समतल जगह पर लेट जाएं। अब दोनों पैर के अंगूठों को एक साथ मिलाएं। इसके बाद सांस लेकर खुद को सामान्य कर लें। अब लंबी सांस लेते हुए पैरों को ऊपर उठाएं। अब कुछ देर तक पैर को यूं ही ऊपर रखें और धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। 30 सेकंड बाद गहरी सांस को छोड़ते हुए पैर वापस नीचे लाएं। इस तरह उत्तान पादासन का एक चक्र होता है। शुरू में 2 से 3 चक्र करें और बाद में इस संख्या को बढ़ा लें। नंबर तीन, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन योग करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। अब गहरी सांस लेते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाएं। हाथों को पैरों के तलवे को और नाक को घुटनों से स्पर्श कराएं। कुछ देर तक इस स्थिति में बने रहें और फिर पूर्वता स्थिति में आ जाएं। तो हमारे पास वेट लॉस के लिए 3 इफेक्टिव आसन है। जो सबसे पहला आसन है वो पश्चिमोत्तानासन, और उसके बाद दूसरा आसन है नौकासन, और तीसरा है उत्तान पादासन। तो सबसे पहला आसन पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में हम बैठते हैं अपने सिटिंग पोस्चर में, जैसे बैठते हैं दोनों पैर बिल्कुल सीधे रखते हुए, और धीरे से हम सामने की तरफ झुकते हुए पैर के अंगूठे हम पकड़ते हैं, और जिससे हमारा इफेक्ट पड़ता है हमारी जो थाई मसल्स है जांघों पे पड़ता है, और जो बहुत प्रेशर के साथ इफेक्ट रहता है तो वो हमारी कैलोरीज को बर्न करता है। तो ये खासकर यूज़ होता है लोअर बॉडी फैट को बर्न करने के लिए, कि अगर जिसका लोअर बॉडी फैट या थाइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है। और दूसरा आसन हमारा है नौकासन। नौकासन में पीठ के बल लेट के और पैरों को 45 डिग्री उठा के और अपनी कमर को भी 45 डिग्री उठा के, और जो बैलेंस है वो हमारे हिप्स पे बना रहता है, और जिससे हमारी जो कोर मसल है, मतलब सामने वाली जो एब्डोमिनल मसल है, उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और फिर यहाँ पे इफेक्ट पड़ने से जो हमारी जो बेली फैट है और हमारी जो एब्डोमिनल फैट है, एक्स्ट्रा फैट, चर्बी, वो सारा बर्न हो जाता है, सारी कैलोरीज। और धीरे धीरे हम रेगुलर जब इसका अभ्यास करते हैं तो बॉडी का जो फैट है, वेट है, वो अपने आप ही मेंटेन हो जाता है, और बढ़ा हुआ है तो कम हो जाता है। और तीसरा हमारा आसन है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में भी हम पीठ के बल लेट के और दोनों पैर सीधे रखते हुए 90 डिग्री पे वर्टिकल सीधे कर लेंगे। उससे भी हमारा जो वो है प्रेशर है, इफेक्ट है, वो हमारी थाइस पे भी आएगा और हमारी कोर मसल्स पे भी आएगा, एब्डोमिनल वाले एरिया पे भी आएगा। तो ये दोनों को एक साथ, दोनों जगह का जो फैट है वो बर्न करता है कैलोरीज। जैसे थाइस पे प्रेशर आएगा तो थाइस की भी करेगा, और हमारे कोर पे, एब्डोमिनल वाले एरिया पे प्रेशर आएगा तो वहाँ का भी फैट बर्न करेगा।